मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भगवान गणेश को अंतिम विदाई दी जा रही है। भगवान गणेश की पूजा के बाद गणेश के हजारों की संख्या में बड़ी, मध्यम और छोटी मूर्तियों को विभिन्न घाट और तालाबों पर विसर्जित किया जा रहा है। वहीं मुंबई के चैम्बूर वासी नाका में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से विसर्जित करने आए गणेश भक्तों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण मौजूद रहे एवं उनका सत्कार किया गया। यह त्यौहार 25 अगस्त से मनाया जा रहा है। भगवान गणेश को खुशी, समृद्धि और भाग्य का अग्रदूत माना जाता है। पूरे भारत में उनके भक्त उन्हें शानदार तरीके से विदा करते हैं। जैसे कि आज 11 दिन है, 11 दिन में लगभग मुंबई में सारे गणपति पंडाल का, गणपति जी का विसर्जन होता है। इस अवसर पर काफ़ी सारे जनता है जो रोड पर आती है, इसका आनंद लेने के लिए रोड पर आती है। तो ये हम लोग इस तरीके का चीज़ हम लोग पास 12 साल से हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं कि जो भी भक्त आते हैं गणपति के, उनके लिए हम लोग खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। पिछले 12 साल से हम लोग लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों के लिए हम लोग दाल पाव का बंदोबस्त करते हैं, पानी और शरबत का बंदोबस्त करते हैं। सर्वप्रथम मी भारतीय जनता युवा मोर्चा चेंबूर मंडळाला शुभेच्छा देईन की विष्णू अधिकारी आणि त्यांची संपूर्ण टीम दरवर्षीप्रमाणे अनंत चतुर्थीच्या दिवशी या ठिकाणी नागरिकांसाठी अल्पोपहार वाटप हा कार्यक्रम दरवर्षी ठेवत असतात। त्यानिमित्ताने येणाऱ्या गणेश भक्तांचं स्वागतसुद्धा या ठिकाणी मंडळातर्फे केलं जातं। आणि गणेशोत्सव हा मुंबईतला असा एकमेव सण आहे, त्या सणामध्ये जात धर्म पंथ भाषा सगळं विसरून एकत्रितपणे नांदत सर्वजण रस्त्यावर उतरतात। आणि एवढा मोठा सण मला असं वाटतं ह्या आशिया खंडातील संपूर्ण विश्वामध्ये असा एकमेव सण आहे की करोडो लोक आजच्या दिवशी मुंबईच्या रस्त्यावरती उतरतात। तर या निमित्ताने मी अनंत चतुर्थी निमित्ताने संपूर्ण नागरिकांना शुभेच्छा देईन एवढंच। गणपती विसर्जन का ये त्यौहार हमारा लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय, और चेंबूर विधानसभा में हमारे युवा विष्णु अधिकारी जी ने जो यहाँ पर स्टेज लगाया है, कार्यक्रम रखा है, भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, बहुत ही अच्छा। पूरे दिन लोग विसर्जन के लिए गणपति की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को एक छोटा सा अल्पाहार देकर उन्होंने एक सुविधा की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे नीरज उबारे जी जिला के अध्यक्ष यहाँ पर आए युवा के, उनका भी बहुत बहुत आभार।